हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल भूमिका भट्ट। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भूमिका भट्ट पे। सो गाइस, आज है संडे और आज है स्कूल की छुट्टी, मतलब फंडे है। तो अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी, अब मैं पढ़ाई करके उठ चुकी हूँ और पापा भी जा चुके हैं और अभी हम सब ऐसे बैठे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर में शाम को हारमोनियम बजाऊँगी, इसका आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस, अब मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको शाम को। सो गाइस, शाम हो चुकी है और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी 7 बजे, 7 बजे अभी मैं खेलने गई थी, उसके बाद मैं अंदर को आ गई थी। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं देखती हूँ अगर कुछ खाने के लिए है तो मैं उसको खा लूँगी, वरना तो मैं कुछ बनाऊँगी अपने लिए। सो मैंने सारे आलू छील लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे सारे आलू छील लिए, अब मैं हाथ धोती हूँ। मैंने आलू तो छील लिए, अब मैं इसका एक आलू से मुझे सिर्फ एक ही पराठा खाना है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, एक आलू का पराठा बना लेते हैं। गाइस, मैंने आलू का मसाला बना लिया है और अब मैंने आटा तो पहले से ही बनाया है, उसको फिर से निकाल लेती हूँ। तो गाइस, ये हमारा आटा है, हम तवा ढूंढते हैं। गाइस, आटे को पहले हम इसकी कलोई बना लेते हैं, छोटी छोटी लोई बनाएंगे हम इसकी। तो मम्मी लोग भी सब्जी मार्केट से आ चुके हैं, सब्जी ला के और बना रहे थे जब तक अपने लिए आलू का पराठा। और देखो ये आपके लिए बहन, हेलो बोल दे गाइस को, बोल दे हेलो गाइस। सो अभी बनाते हैं इसको, फ्रिज में रखते हैं। उसके लिए गाइस हमें बेलन लेना चाहिए, वो मुझे जो नहीं मिल रहा है, बेलन और चिमटा। बेलन और चिमटा मम्मी से पूछ के आती पहले। गाइस, मम्मी ने बताया कि मेरे जस नीचे वाले जैक में था, उसको आप हम निकाल लेते हैं। फटाफट एक लोई तैयार करो पहले, क्योंकि मैं अभी गैस ऑन कर दूँगा जो तब तक तवा बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत देर लगूँगा पटा बनाने में। सब मैं रोटी बेल लेती हूँ, पहले जरा छोटी छोटी रोटी बेलता नहीं, कैसे बेलते मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, हमें बीच बीच में नहीं बेलना है, क्योंकि बीच बीच में तो पतला हो जाएगा, साइड में तो होना चाहिए पतला। और इसको हम थोड़ा पतला पतला बेलेंगे, वो अलग ही लड़ते हैं अंदर, पता ही है भाई बहनों की लड़ाई। अब मैं गैस ऑन करूंगी, कुछ इतनी रमी मैंने रोटी बेल ली है। और इसमें अब हम भरेंगे आलू की इस चपे, मुझे क्यों लग रहा है मैंने बहुत छोटी बेल ली है।
आलू किस ट्रॉफी हमने भर दी है। गाइस ये तो मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, वो तो बहुत केयरफुली बनाऊंगी इसको। मुझे बहुत डर लग रही है इसको बनाने में, या तो इसको पतले भी बनते हैं मोटी मोटी बनते हैं, मैंने जो कल्याण कर रहा हूँ बस ये फटना नहीं चाहिए। अब तक का तो सबसे जा रहा है, देखते हैं। बेलो 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 बे हाँ बेलो 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 कहते हैं कहते हैं पर उसको थोड़ा हाथ ऐसे कर देते हैं गाइस। यार ये तो बहुत टफ टफ हो रहा है मेरे लिए, मतलब आज के बाद आलू का पराठा नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत टफ लग रहा है। गाइस मैंने आलू का पराठा डाल दिया है, सॉरी इसको छोटे से निकलते हैं, किससे पलटते हैं चम्मच से पलटते हैं इसको। बटर हट लगाएंगे, बटर ये हमने पहले से कटोरी में बटर निकाल के रखा है, मुझे लग रहा है कि ये फॉलर हाँ चल रहा था मुझे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, पहली बार मुझे लग रहा है कुछ चीज़ को मुझे बनाना आ गया लग रहा है। इस साइड से भी पता चल रहा है, मैं तो बटर लगा ना भैया बहुत ही मैं भी लगा था टफ होगा नहीं होता। जैसा होगा आपको बताऊंगे कैसा था, आप लोग तो बना सकते हैं। गाइस मैं फूड ब्लॉगर बन चुकी हूँ, अब मैं इसको थाली में डाल। आलू का पराठा शक्ल तो मुझे ठीक ही लग रही है यार, अब पता नहीं आपको कैसी लगती है। सॉस डाल दिया और हम चलते हैं इसको तल के और सबसे टेस्ट करवाते हैं।
हमारा आलू का पराठा बन गया गाइस। पहले मम्मी टेस्ट करिए, मम्मी टेस्ट मैं करो। नहीं खा रही बेटा, अभी पेट खट्टा हो जाएगा। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।